हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने बोला था आपसे पिछले लेक्चर में कि थोड़ा सा आप इनवर्स फंक्शन के ग्राफ देख लेना, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि कॉस इनवर्स में अभी असमिका अपनी चेंज होगी, इनक्वालिटी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी उसका कारण बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, बताया था कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं उनमें नहीं चेंज होता है, जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उसमें चेंज होता है। तो जैसे थोड़ा सा बात मैं ये कर लूं आपसे, आपने साइन इनवर्स का देखा होगा, साइन इनवर्स का कुछ इस टाइप से बना था, शायद यूं बना था, ये बना था साइन इनवर्स एक्स का। तो देखो ये ऊपर ही जा रहा है, देखो ध्यान से, तो ये क्या रहा है, ऊपर ही जा रहा है। देखो यहाँ पे मान लो माइनस कुछ होगा, माइनस साइन पाई बाई टू होता है, यहाँ पे क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो क्या हो रहा है, इधर से ये ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, बढ़ता हुआ फंक्शन है, वर्तमान फंक्शन है, ठीक है। और आपको याद हो कुछ तो मेरे ख्याल से कॉस इनवर्स का कुछ यूं बना था, शायद मुझे याद आ रहा है तो यूं बना था, ये था पाई, ये शायद था जी जी मैंने पाई बाई टू है, और यहां पर क्या है कुछ था माइनस पाई होगा शायद, मेरे ख्याल से ये जीरो होगा, कुछ इसी टाइप का मिला था अपने को याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, नहीं यहाँ पे पाई नहीं था, सॉरी यह पाई यहाँ पे था, यहाँ पे तो चेंज हो जाता है इनवर्स में, क्या होता था चेंज हो, ये माइनस वन और वन था। तो देखो ध्यान से इस साइड से देखते हैं, यहाँ सबसे ऊपर है, जब मान एक्स का मान बढ़ता जा रहा है, देखो इधर एक्स का मान बढ़ रहा है, इधर सबसे छोटा होगा माइनस पाई बाई टू, सबसे छोटा है पाई बाई टू सबसे बड़ा है। तो क्या हो रहा है, इधर एक्स का मान बढ़ेगा, जब एक्स का मान बढ़ रहा है तो उसका मान भी ऊपर जा रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है। और जब यहाँ पे साइन इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स में देखो ये किसका है अपने पास, साइन इनवर्स का है, ये किसका है कॉस इनवर्स का है। जब कॉस इनवर्स का देख रहे हो ध्यान से, तो इधर जब एक्स का मान बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, कॉस इनवर्स का मान नीचे आता जा रहा है, क्या हो रहा है नीचे आता जा रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब टेन इनवर्स का याद हो आपको तो कुछ यू बनता था, आपको याद हो तो शायद यू बनता था टेन इनवर्स। ये भी ध्यान से देखो, इधर सबसे छोटा है, इधर बढ़ रहे हो तो ये ऊपर जा रहा है। कॉट इनवर्स का शायद डिक्रीजिंग होता है, कॉट इनवर्स का डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि ये बनता है यू बनता है। तो देखो ये नीचे आता जा रहा है, ये टेन इनवर्स का हो गया। आपको पता होना चाहिए कि बस ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, समझ में आएगा बात। तो इसीलिए टेन इनवर्स में आपने देखा होगा इनक्वालिटी मैंने चेंज नहीं किया था, मैंने पिछले क्वेश्चन में शायद टेन इनवर्स यूज किया है पिछले क्वेश्चनों में, तो वहां पर मैंने इनक्वालिटी क्या कही थी चेंज नहीं की थी। कॉस साइन इनवर्स में भी मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन इसीलिए उठा गई, तो महा आसान सवाल है, क्वेश्चन में तो कुछ दम है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसमें कॉस थीटा मानना है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यदि फंक्शन आपका, फलन आपका वर्तमान ह्रासमान हो, डिक्रीजिंग हो, नीचे आता जा रहा है, तो वहां पर आप इनक्वालिटी क्या करोगे चेंज करोगे। जब इनवर्स लगाओगे तो उसको क्या कर दोगे चेंज करो, और नहीं चेंज करोगे तो प्रॉब्लम भी मैं दिखा रहा हूं आपको क्या होगा, ध्यान से देखना आप। तो यहां तो आपको आइडिया लग गया है कि हम, मैं यहां पर क्या मानने वाला हूं, एक्स को कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थ्री थीटा बन जाएगा, यहां से थीटा बराबर लिख लेते हैं अपन, ये क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, बन गया मान रखते हैं यहां पर। तो वाई कॉस इनवर्स ये बन जाएगा चार कॉस की पावर तीन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, कोई बताता नहीं है आपको, शायद कोई बताया होगा जिसने पढ़ रखा होगा देखा होगा, कोई नहीं बताता है क्या है क्या नहीं है, आईआईटी लेवल के बताते हैं ये सब बात, छोटी छोटी बातें वो सब करते नहीं है बोर्ड लेवल वाले, ठीक है। ये हो गया, यहां से बात करोगे यदि कॉस इनवर्स की, तो ये तो बन जाएगा कॉस थ्री थीटा, याद नहीं हो लेकिन आपको देखा हो मिल जाए ना तो लिख दो कि हाँ ये बनेगा। अब कब चेंज होगा, जब कहां से कहां होगा, ये जीरो से पाई होगा, थ्री थीटा कहां से बन जाएगा जीरो से पाई के बीच में, तो चेंज होगा मतलब ये गायब हो जाएगा, नहीं तो गायब नहीं कर सकते अपन। तो अब बात करते हैं, तो यहां पर आपको एक्स का मान कहां से कहां दिया हुआ है, एक बटे दो से एक, एक के बीच में दे रखा है, ठीक है। अब हमने क्या रखा, एक बटे दो एक्स जब क्या रखूंगा कॉस थीटा, और यहाँ पे एक हो जाएगा। अब मैं इनवर्स ले, अभी देखो मैं इनक्वालिटी चेंज नहीं कर रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देख रहा, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स वन बाय टू बनेगा, यहां पर भी बन जाएगा कॉस इनवर्स, और क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स वन बन गया, बन गया। अब देखो जादू हो जाएगा, अभी ये अभी तक तो सही है, एक बटे दो, एक बटे दो से एक से ज्यादा, लेकिन अब जब कॉस इनवर्स एक बटे दो कहां पे होता है, पाई बाई थ्री पे होता है, पाई बाई थ्री पे होता है,
ये तो थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स वन कहां पर होता है, जीरो पे होता है। अब ध्यान से देखो, थीटा जो है पाई बाय थ्री से तो बड़ा है, लेकिन जीरो से क्या हो गया, छोटा हो गया। समझ बात को, ये जादू हो गया ना, जैसे एक बराबर दो मैंने प्रूव किया था, वो जादू से किया था। मिस्टेक करोगे तो मैथ में बहुत ज्यादा जादू, एक आज एक जादू और दिखेगा आपको। तो देखो यहाँ पे जादू हो गया, कारण क्या था कि कॉस इनवर्स क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसका मान एक्स का मान बढ़ाते जाते हो तो उसका मान क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो ए इनक्वालिटी को सही रखने के लिए अपन क्या करेंगे, जब कॉस इनवर्स लगाओ, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको याद हो, आप इधर जाते हो तो मान क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। यहां पर भी यही हाल है कि जब इधर आ रहे हो तो मान क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। समझ गए बात को आप। तो ऐसे ही यहां पर क्या करोगे आप, जब भी आप इनवर्स लगाओगे कॉस के साथ, इधर कॉट भी हो गया, कॉट भी डिक्रीजिंग है और कॉस इनवर्स भी डिक्रीजिंग है, ठीक है। आप देखोगे ध्यान से तो सेक इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा। सेक इनवर्स देखना, सेक इनवर्स या कॉस इनवर्स होना चाहिए, कोशेक का शायद क्वेश्चन नहीं मिला, दिमाग देखने का दोनों का आपको किस पे है। अब देखना ग्राफ बनाओगे तो याद आ जाएगा, उसे नहीं आता तो ग्राफ बना लेते हैं। हाँ, जब यहाँ पर आपने क्या किया, कॉस इनवर्स दोनों तरफ लिया, तो वन को इधर भेज दो और वन बाय टू को इधर भेज दो। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अब बात समझ में आ गई क्यों चेंज करते हैं, नहीं चेंज करोगे तो जादू हो जाएगा कि अभी तक तो ये तो बड़ा था, अब ये थीटा पाई बाय थ्री से तो ज्यादा है, लेकिन जीरो से क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पे कितना ला दोगे आप, वन बाय टू ला दोगे। अब यहाँ पे ये पाई बाय थ्री की जगह पर क्या बन जाएगा आपका, जीरो, और क्या हो जाएगा, पाई बाय थ्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन जब भी होता है, अगर जो उसमें इनक्वालिटी लगी हुई है, अशमिका लगी हुई है, तो आप जब इनवर्स लेते हो तो देख लो ध्यान से कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन अपने पास क्या है, थ्री थीटा है, तो आप क्या करते हो, जीरो थ्री से मल्टीप्लाई कर देते तो जीरो हो जाएगा, ये थ्री थीटा हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। तो आप ये बस दिमाग में रखना, साइन इनवर्स टेन इनवर्स इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, और कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहां से आपको ये बताना जरूरी था कि बोर्ड के एग्जाम में यदि आप दिखा रहे हो, बोर्ड टीचर तो पढ़ाते ही नहीं है कि दिखाना जरूरी नहीं, बोल देते हैं क्या जरूरत है दिखाने की, लेकिन हालांकि जब दे रखा है तो आपको दिखाना जरूरी है, सीधी सी बात। नहीं दिया तो हम क्या जानते हैं, दे दिया तो दिखा देना, नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं है। अब ये हो गया, तो आप यहां लिख दोगे कि चूंकि आपको पता है कि यहां पर थ्री थीटा किसका में हो गया, जीरो से पाई के बीच में हो गया, तो यहां पे बात करोगे वाई बराबर में अपने पास आ गया था कॉस इनवर्स कॉस थ्री थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये बन जाएगा थ्री थीटा की वैल्यू क्या अपने पास, कॉस इनवर्स एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स, थ्री डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस तीन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यह आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, ये था क्वेश्चन में तो था ही कुछ नहीं, बस ये था कि आपको दिखाने के लिए मैंने बता दिया था, कि मैंने बोला भी था पिछले लेक्चर में कि थोड़ा सा आप इनके ग्राफ देख लेना, ग्राफ देख लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है कैसे होगा। इसका सेकेंड पार्ट भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखो मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन से क्वेश्चन को ट्राई नहीं करते हो। क्वेश्चन मैं इसलिए बता देता हूं कि जो कमजोर से कमजोर बच्चा भी हो, कम से कम उसको ये ना लगे कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो चैप्टर छोड़ जाए, तो किसी के पास बहाना ना रहे कि सर मुझसे नहीं हो पाया था इसलिए मैंने चैप्टर को पढ़ा नहीं था। जब मिलूं तो ये रहे कि हाँ सर मुझे तैयार है मेरा सब कुछ जितना पढ़ा दिया। हाँ, एक आध जो क्वेश्चन छूट जाते हैं जो एकदम आसान है जो आपसे नहीं हो पाते हैं उसको मैं बात कर लूंगा क्लास में। अब देखो इसमें जैसे किसने नहीं दिया है, बी में नहीं दे रखा है, जब नहीं दिया है तो अपन बात कहाँ पे करेंगे, इसीलिए मैंने बी को बताया नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एक्स बराबर कॉस थीटा इसमें भी लेना है, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, चाहो तो कॉस टू थीटा ले लो चाहे कॉस थीटा, बात एक ही होती है, चाहे ऐसे जाओ चाहे वैसे जाओ आंसर एक ही आएगा। वन प्लस ये बन जाएगा अपने पास कॉस थीटा बटे में दो, ये हो जाएगा कॉस इन दिया होता तो सॉरी वन प्लस कॉस थीटा है, वन है प्लस है, वन को गायब करना है तो क्या आता है कॉस आता है, क्या आएगा टू कॉस स्क्वायर
थीटा बाई टू अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो गया, कॉस इनवर्स ये गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, कॉस थीटा बाई टू, कॉस इनवर्स से कॉस गायब थीटा बाई टू आ गया, वन बाय टू थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, ये हो गया वाई डी वाई बटे डी एक्स, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ माइनस वन बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब आप चाहो तो सारे क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, ये तो दिख ही रहा है, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, फोर को फोर में भी कुछ नहीं है, फोर के में कर लेना आप, दोनों में एक एक्स बराबर कॉस थीटा लेना, दिखाना है तो देख लो, देख इसमें भी दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कॉस लेना पड़ेगा तो चलो दिखा दे रहा हूँ, फोर का ये बता रहा हूँ, सेकेंड तो कर लोगे एक्स बराबर टेन थीटा, आसान सा है, ये भी आसान है, फोर का ये भी आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ आपको, वाई इक्वल टू में दिया है sec इनवर्स वन अपॉन में टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स क्या है आपका जीरो से वन बाई टू है, जीरो से वन बाई टू है, तो एक्स को क्या मानने वाला हूँ, cos थीटा मानने वाला हूँ, तो cos थीटा मान लिया, यहाँ से थीटा इक्वल टू लिख लो, क्या बन जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई sec इनवर्स वन अपॉन में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हो गया। अब टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होता है, कॉस टू थीटा के बराबर होता है, इसमें सोचने वाली बात क्या है, सेक इनवर्स वन अपॉन में कॉस टू थीटा हो जाएगा, सेक इनवर्स कॉस टू थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक टू थीटा बन जाएगा। अब इसमें सेक का देखना है, क्या देखना है, सेक का देखना है, देखना पड़ेगा क्योंकि सेक इनवर्स से सेक आ गया तो देखना पड़ेगा, तो देख लो चाहो तो, मन करे तो जीरो एक्स क्या है जीरो से एक बटे दो, अब यहीं से पता चल जाएगा कि सेक इनवर्स क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, यहीं से पता चल जाएगा, यदि उल्टा आएगा तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, शायद ये इंक्रीजिंग होता है, तो जीरो ले लिया, ये बन जाएगा एक्स, ये सेक इनवर्स टू थीटा वन बाय टू कहीं पे होता, अरे क्यों ले रहा हूँ मैं, मुझे तो कॉस्ट लेना है, मुझे तो कॉस लेना पड़ेगा, चलो ठीक है उससे कोई मतलब नहीं, देख लेंगे यहाँ क्या बन जाएगा एक्स यहाँ पे कॉस थीटा एक बटे दो, कॉस थीटा आएगा सेक वो तो आएगा नहीं, सेक कहाँ रहेगा, कॉस ही तो आएगा, कॉस इनवर्स लूंगा तब चेंज कर दे रहा हूँ, अब तो पता चल गया, तो कॉस इनवर्स एक बटे दो इधर से हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स जीरो, कॉस एक बटे एन एक बटे दो कहाँ हुआ था, ये तो सवाल भी वही है, अलग चेंज भी नहीं करेंगे कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी हो, सब एक जैसे आएंगे, ठीक है, कॉस इनवर्स जीरो जीरो पे, जीरो कहाँ पे होता है, फाइव बाई टू पे होता है, कहाँ पे होता है, फाइव बाई टू पे होता है, सही है, इसके बाद अपने पास क्या है टू थीटा है, तो टू से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा टू फाइव बाई थ्री से टू थीटा, यही क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, टू फाइव बाई थ्री से पाई हो जाएगा, तो यहाँ से चूंकि लिख देंगे, अब क्या हो गया, ये सेक का क्या होता है जो मैं याद हो, तो जीरो से पाई ही लेते हैं अपन, जीरो से पाई लिया जाता है, लेकिन बीच में से किसको गायब कर देते हैं, पाई बाई टू को गायब कर देते हैं, पाई बाई टू को गायब कर देते हैं, देखो इसमें भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जीरो से पाई होता है लेकिन सेक इनवर्स का, जीरो से पाई तो होता है लेकिन अपन क्या गायब कर देते हैं, पाई बाई टू से गायब कर देते हैं, तो पाई आप देखो टू पाई बाई थ्री का मतलब 120 होता है, 120 और 180, 120 और 180 के बीच में पाई बाई टू तो आएगा ही नहीं आएगा, 90 आएगा नहीं आएगा, तो सही लिखा है अपना, मतलब टू थीटा क्या हो गया इसके बीच में, इसके बीच में है जीरो से पाई के बीच में, चाहे और दिखाना चाहो तो सही ठीक कोई बात, इसके डोमेन में है, अरे जीरो से पाई होता है लेकिन पाई बाई टू को हम निकाल देते हैं क्योंकि सेक पाई बाई टू क्या होता है इनफाइनाइट हो जाता है, तो उसको निकाल दिया जाता है इसके डोमेन से, तो निकाल दिया मैंने तो काम हो गया, क्योंकि ये क्या है 120 से लेकर 180 के बीच में, तो 90 आएगा नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसका मतलब जब ये हो गया तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स सेक टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा केवल टू थीटा, बस काम खत्म, टू कॉस इनवर्स एक्स मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ डी वाई बटे डी एक्स माइनस टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर कुल आपको लग रहा होगा कि एक ही जैसे आ रहे हैं। अब नेक्स्ट पर बात किया जाए कि क्या हो रहा है,
बी कर लेना, 10 रख देना उसमें। अब बात करूंगा यदि आपको, देखो 5 का ये तो मजाक आपके साथ किया है, लेकिन वो मजाक समझ में आनी चाहिए। जो 5 का ये है उसमें आपके साथ मजाक किया हुआ है। आपको y इक्वल टू में दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब बहुत ऐसे भी होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ा बिना पढ़ाए ही आपको अवकलन पढ़ा देते हैं, ठीक है। शायद आप सब भी पढ़े थे बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े, आपको शायद टीचर कोई पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ भी हो हमें क्या पता, ये जानते नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है बेटा ऐसे कर लेना। देखो ध्यान से, तो अपने पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई बाई टू, याद हो तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में पढ़ा था हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो यही लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ये दोनों एक ही जैसे हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई टू डायरेक्ट लिखो, ये मजाक किया हुआ था। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बटे डी एक्स पाई बाई टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ गए बात को, ये दे रखा है। अब बात करेंगे थोड़ा बी पे, बात करते हैं थोड़ा, देखिए बी को ऐसे भी टीचर होते हैं कि कुछ यूज हो रहा है उसका तो उसको गायब कर देंगे कि चलो ठीक है बेटा ये ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है आप पढ़ लो बस चैप्टर को। डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ा देते हैं बिना अवकलन पढ़ाए, सॉरी मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए, फिफ्थ का भी बस ये है कि अवकलन आसान है, आसान केवल एक ही तक है 7.1 तक, उसके बाद यदि आप त्रिकोणमिति अच्छे से नहीं जानते हो तो फिर केवल आप क्वेश्चन को देख रहे हो उतार रहे हो, समझते तो हो ही नहीं, आप समझना भी नहीं चाहते हो। ये हो गया अपने पास, थोड़ा सा इसको देखते हैं। आपको दिया है कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, इतना दे रखा है। अब बात किया जाए यहाँ पर, थोड़ा सा एक काम कर लेना कि 2x को cos थीटा मानना, क्योंकि ये बन जाएगा अपना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बन जाएगा, हाँ हो जाएगा काम बन जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर लिखना हमें, तो थीटा बराबर बन जाएगा कॉस इनवर्स 2x, रखते हैं यहाँ पर, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 2x की जगह पर क्या रख देना है कॉस थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस, ये लिखा है 2x का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा है 2x का होल स्क्वायर, 2x का मतलब हो गया 2x यहाँ पर रख दिया कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से तो कॉस इनवर्स से कॉस गायब हो गया थीटा आ गया 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा के रूप में आएगा। अब लेकिन ये गायब नहीं होगा तो थोड़ा सा इसको गायब किया जाए, कॉस इनवर्स क्या मैं साइन थीटा को कॉस थीटा मैंने पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है तो थीटा 2, अब यहां से क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स से कॉस गायब होकर ये पाई बाय 2 माइनस थीटा आ गया, यहां से थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पाई बाय 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये छोटा सा बन गया पाई माइनस थीटा वाई इक्वल टू में वाई पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास है कॉस इनवर्स 2x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बटे डी एक्स डी बटे डी एक्स पाई माइनस थीटा की वैल्यू रख दिया, चलो कोई बात नहीं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x, ये हो जाएगा डी बटे डी एक्स पाई माइनस डी बटे डी एक्स कॉस इनवर्स 2x, पाई का हो गया 0, कॉस इनवर्स क्या होगा देखते हैं, कॉस इनवर्स का मतलब हो जाएगा माइनस, एक माइनस आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर बन जाएगा, फिर 2x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद ऊपर तो बच गया 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, नोट कर लीजिए।
इसके बाद बात किया जाए 5/6 पे, 6 का देखो ये भी बेवकूफ बनाया गया है आपको, महा बेवकूफ बनाया गया है। आप थोड़ा सा इसमें आपको इसके संकेत में मत जाओ, हम संकेत को ना जाके अपन अपने मन से काम करेंगे। तो ये महा आसान सवाल है। वाई इक्वल टू में मान लो आपके पास दिया हुआ है टैन इनवर्स, इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स। अब देखो ये स्टूडेंट भी मुझे ये बताया था, ठीक है, पिछले साल से। तो आप बता सकते हो, जब अपने मन से ट्राई करते हो तो क्या होता है ना कि स्टूडेंट सबसे आलसी होते हैं, सबसे छोटे तरीके की तरफ जाते हैं। तो आप चाहो तो जा सकते हो लेकिन जाना नहीं चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हो आप टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, वन माइनस एक्स वाई बराबर क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है, हमने देखा हुआ है शायद। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स की जगह क्या है ए है, और वाई की जगह पे क्या है एक्स है, मतलब एक्स जगह पे एक्स मान लो, वाई की जगह पे क्या ए है, तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब क्या कर दो, एक्स के साथ अवकलन कर दो, ये बन जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स अलग अलग भी लिख सकते हो चाहो तो, थोड़ा स्टेप बढ़ाने के लिए टेन इनवर्स ए प्लस डी बटे डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा जीरो, ये बन जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ये कितना छोटा सा है। अब देखो सेकंड वाला मैं बताऊंगा नहीं, आप अपने मन से प्रयास कर लेना, इसमें हिंट दे रहा हूं। आप 2 की पावर x को क्या मान लो, थीटा मान लो। नहीं, थोड़ा सा काम मुझे लग रहा है इसमें करना पड़ेगा कि काम हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा मैं अजीब थोड़ा सा इस तरीके से सोच रहा था, लेकिन ये दिया है ऐसे 6 का भी है ना, समझे 6 का भी दिया हुआ है आपको y इक्वल टू में टेन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 है ये। अच्छा ऐसे दिया हुआ था, मैं अलग सोचा तो 1 माइनस 4x हो जाएगा। थोड़ा सा इसको काम कर लिया जाए, टेन इनवर्स इसको 2 की पावर x इंटू में 2 लिख सकता हूँ, 1 माइनस इसको लिख सकता हूँ 2x। देखो थोड़ा सा एक स्टेप मैं खाने का प्रयास कर रहा था लेकिन नहीं खाऊंगा, क्योंकि कुछ बेहोश हो जाएंगे कि ये क्या हो गया जादू। तो मैं जादू ना दिखा कर स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। जादू में क्या होता है, 2-3-4 स्टेप खा जाओ जादू हो जाता है। स्टेप बाय अब इस एक्स को इसके साथ लगा दे रहा हूँ और 2 को ऊपर लिख दिया हूँ। अब 2 की पावर x को मैं मान लूंगा टेन थीटा, मान लो हाँ टेन थीटा मानते हैं। यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2 की पावर x, ये बन जाएगा अपने पास टेन इनवर्स 2 की पावर x को अब क्या लिखने वाला हूँ टेन थीटा, ये बन जाएगा 2 tan θ 1 माइनस tan² θ। ये आपके कुंडली में क्या होता है tan² θ होता है, टेन इनवर्स से टेन क्या हो गया गायब हो गया 2θ हो गया। 2θ की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स 2 की पावर x। थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन में आपको टाइम लगेगा, टाइम क्या लगेगा मतलब कि 2 की पावर x आ गया। तो पहले तो बात करूंगा डी वाई बटे डी एक्स की, 2 d/dx टेन इनवर्स 2 की पावर x, ये बन जाएगा 2 tan inverse, मतलब क्या जो 1 plus x square, इसका स्क्वायर करूंगा तो यही बन जाएगा। लास्ट में मैं ये लिख दे रहा हूँ 4 की पावर x d/dx 2 की पावर x, यहाँ से बन जाएगा अपने पास 2 1 plus 4 की पावर x। ए की पावर x का करेंगे तो क्या होता है, ए की पावर x का अवकलन 2 की पावर x इंटू में log a बेस e, चाहो तो इसको लिख सकते हो और अच्छे से 2x plus 1 log 2 बेस e अपॉन 1 plus 4 की पावर x, ये होगा। ऐसे ही 6 हो गया। मैं सारे क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ, क्या बात है, तुमसे कुछ वो छापना ही है। अब मैं नहीं करवाऊंगा कि बता दो नहीं बताऊंगा, संकेत दे रखा है कर लेना सभी। ये सातवां मिल चुका है एक तरह से देखा जाए, मैंने बताया था अंडर रूट में 1 माइनस x और 1 प्लस x आए तो x को cos थीटा मान लेना। इसके बाद ये लास्ट ही है सर, बता दो बता दे रहा हूँ।
किसी ने बोला है, बता देते तो अच्छा होता, मैं सुन लेता हूँ। चलो बता दे रहा हूँ, किसी ने बोला था सर बता देते तो सही रहता, छापने वाले इंसान है हम, अब तो स्क्रीन शॉट लेने वाले इंसान बन चुके हो ना, छापने वाले नहीं बने हो सर। अब मैं चेंज हो गया हूँ, डिजिटल हो गया हूँ, अब छापने वाला मत बोला करो, अब स्क्रीन शॉट वाला बोला करो। चलो भाई स्क्रीन शॉट ले लो, है कुछ भी नहीं देखा जाए तो 2 tan inverse अंडर रूट 1 - x 1 + x था तो कुछ भी नहीं वैसे, तो x को क्या लेना है cos थीटा। थोड़ा मैं स्टेप मैं इसमें खाऊंगा, cos थीटा थीटा cos inverse x वो y बराबर में ले लिया है, y sin 2 tan inverse ये बन जाएगा अपने पास 1 - cos थीटा cos 2 थीटा ले दे तो सही रहता, कोई बात नहीं है कुछ भी ले लो। उसने संकेत में cos थीटा दिया था, मैंने cos 2 थीटा भी ले लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2 tan inverse माइनस है cos को गायब करना, माइनस है cos को गायब करना तो क्या बनता है sin, ये बन जाएगा 2 sin² θ/2 2 cos² θ/2 यहाँ से स्टेप खाया गया, मैं खा रहा हूँ देखना ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जल्दी बोलो हाँ सर कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस बना, टेन स्क्वायर थीटा बन गया, टेन स्क्वायर अंडर रूट से गायब होकर क्या दे दिया आपको टेन थीटा दे दिया, टेन थीटा बाई टू दे दिया, ठीक है। अब देखो तो टेन इनवर्स से टेन गायब हो गया, हाँ सर गायब हो गया, गायब हुआ गायब हो गया, तो क्या बच गया केवल 2 into θ/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा आ गया, क्या हो गया साइन थीटा। अब थीटा की जगह क्या रख देना अपने को, थीटा की जगह क्या रख देना कॉस इनवर्स एक्स, चाहो तो एक काम और कर लो या तो यहीं पे उपलब्ध कर दो, क्या किया इसने आंसर कहां तक लाया, नहीं तो चाहो तो साइन का कॉस कर दो, साइन का कॉस कर दो, या तो साइन थीटा इसने क्या किया है, इसने इसको चेंज कर दिया है पूरी तरह से साइन थीटा को, अच्छा यहां से उसने चेंज किया है। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप एक काम करो इसको गायब भी कर देते हैं, हम लोग गायब करके करेंगे, गायब करना आता है मुझे साइन, अच्छा ये गायब भी तो नहीं होगा, गायब कैसे किया जाए, इसको हम लिख सकते हैं तो साइन थीटा को कॉस इनवर्स में दिया उसी से चेंज कर लेते हैं, ये जो साइन थीटा आया अपने पास साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 - cos² θ लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखो इसमें एक तो ऐसे भी हो सकता था लेकिन इसमें किताब का आंसर लाने के लिए साइन का अपलन कर दो, क्या बनेगा कॉस आ तो जाएगा यहाँ से भी, ये तो शायद आ ही गया, देखते हैं आ जाएगा किताब का भी आंसर आ जाएगा, हमें तो किताब का ही आंसर देना सबसे अच्छा लगता है। dy/dx नहीं आएगा तो अभी काम कर दे रहा हूँ, आ जाएगा मेरे ख्याल से cos inverse x आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या बन जाएगा साइन का क्या हो गया cos 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 inverse x फिर dy/dx क्या हो जाएगा cos inverse x, तो देखो सर cos से cos inverse क्या हो गया गायब हो गया, x आ गया, इसका क्या बचेगा -1/√1 - x², यही शायद आंसर भी आ रहा है, चाहे ऐसे जाओ चाहे वैसे जाओ आंसर यही आएगा, शायद यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा आ रहा है -x/√1 - x, तो सही है मैंने नहीं चेंज किया। अब सेकंड वाले पार्ट कर लेना x = tan θ 1 + x² मतलब tan थीटा। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन कुछ डायरेक्ट, अब न मिलकर 7.2 तक ध्यान गए, 7.3 में अब डायरेक्ट आपको y नहीं दिया होगा, कुछ अलग सा देगा, उसका कैसे करते उसके बारे में कल बात करेंगे। बाय बाय।